क्या आपको मालूम है विदाउट अ सेकेंड थॉट का इस्तेमाल कब करना है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आप कब कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। विदाउट अ सेकेंड थॉट का मतलब होता है बिना देर किए या बिना हिचकिचाए या बिना सोचे। जैसे अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं बिना हिचकिचाए भूखे को खाना दो, बिना हिचकिचाए प्यासे को पानी दो, बिना हिचकिचाए हारे हुए लोगों को सहारा दो, बिना हिचकिचाए बुरी बात को अच्छी बात में बदल दो। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं बिना ज्यादा देर किए या बिना हिचकिचाए या बिना ज्यादा सोचे को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो बिना सोचे भूखे को खाना दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट गिव फूड टू द हंग्री, यानी बिना सोचे भूखे को खाना दो। अगर आपको कहना हो बिना हिचकिचाए प्यासे को पानी दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट गिव वाटर टू द थर्स्टी, यानी बिना देर किए या बिना हिचकिचाए प्यासे को पानी दो। अगर आपको कहना हो बिना सोचे हारे हुए लोगों को हिम्मत दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट इनक्रेज टू द लूजर्स, यानी बिना सोचे या बिना हिचकिचाए या बिना ज्यादा देर किए हारे हुए लोगों का हिम्मत बढ़ाओ या हिम्मत दो। अगर आपको कहना हो बिना ज्यादा सोचे बुराई को अच्छाई में बदल दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट टर्न इविल इंटू गुड, यानी बिना ज्यादा सोचे बिना हिचकिचाए बुराई को अच्छाई में बदल दो। अगर आपको कहना हो बिना हिचकिचाए या बिना ज्यादा सोचे बेसहारों का सहारा बनो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विदाउट अ सेकेंड थॉट बी द सपोर्ट ऑफ द डेस्टिट्यूट, यानी बिना ज्यादा सोचे बेसहारों का सहारा बनो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं बिना ज्यादा सोचे या बिना हिचकिचाए या बिना देर किए को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।